थोड़ा जगह दीजिए। तुम आ गया भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चा जय हो। अटोले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राखी सावंत आगे बढ़ो। रेडियो इंडिया में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देश भर के, मुंबई के, महाराष्ट्र के दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब लोग, गरीब महिलाएं, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने के भावना से ही राकेश सावंत ने आरपीआई में प्रवेश किया था। और मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ था कि राकेश सावंत एक फिल्म एक्ट्रेस है और उनको अभिनय तो मतलब करने के लिए वो तो मशहूर ही है, लेकिन लोगों की सेवा करने का जो अभिनय है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उससे भी इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। और इसीलिए राखी जी ने आरपीआई में आने का मतलब अपनी भावना मेरे सामने व्यक्त की थी और उन्होंने आरपीआई में प्रवेश करने के बाद आज यहाँ अंधेरी ईस्ट वेस्ट में अंधेरी वेस्ट में आज यहाँ हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर में यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राखी जी का ऑफिस यहाँ शुरू हो गया है। और इसी इलाके के जो भी लोग मतलब राखी के पास आएंगे, अन्य अत्याचार जिनके ऊपर होता है, जिनको कोई मदद की जरूरी है, कोई अपंग है, कोई गरीब स्टूडेंट है या झोपड़पट्टी के लोग है, मतलब जिनके ऊपर अन्याय होगा, तो राखी जी का इमेज ऐसा है कि डैशिंग औरत है, मतलब वो संघर्ष करने वाली औरत है और मैं भी संघर्ष करने वाला हूँ। और इसीलिए मतलब इनका संघर्ष और हमारा संघर्ष अगर एक साथ अभी मिल जाएगा तो लोगों को न्याय देने के लिए जरूर रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो आज मेरे हाथों से यहाँ राखी सावंत जी है, उनकी माँ भी आज की इस ऑफिस इनॉग्रेशन में मतलब मौजूद है और हमारे किशोर मासूम जी भी है और काका साहब खंबालकर है, हमारे आशाताई लांडगे जी है जो महाराष्ट्र प्रदेश महिला विंग के अध्यक्ष है। तो ये सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज राखी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और मैं राखी को बधाई देता हूँ।